थीसिस स्टेटमेंट सेंटर में आती है इंट्रोडक्शन के. सो अगर आपने अटेंशन कैचर दिया है, प्रीव्यू दिया है, तो इसके दरमियान में थीसिस स्टेटमेंट आई. जब हम बॉडी की बात करते हैं तो यही थीसिस स्टेटमेंट जो कि आपने श्रिंक किया था, सेंट्रल आइडिया एसेंस दिया था अपने एसे का, ये एक्सपैंड कर जाती है पूरी बॉडी के अंदर. और जब हम कंक्लूजन में जाते हैं तो आप दोबारा इनकैप्सुलेट करते हैं अपने मेन आइडिया को, सेंट्रल आइडिया को अपने कंक्लूजन के अंदर. लेकिन जो थीसिस स्टेटमेंट आपने यहां पे दी और जो यहां पे दी, इनमें फर्क है. ये है प्रॉब्लम बेस्ड, ये है सोल्यूशन बेस्ड. ये हो सकती है इंटेंस, ये एग्जैजरेट कर रही है एक प्रॉब्लम को, ये सॉल्व कर चुकी है, ये सोल्यूशन निकल आया. दिस इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक. इसकी वर्डिंग और है, इसकी वर्डिंग और है. और बॉडी के अंदर थीसिस स्टेटमेंट एज सच दोबारा नहीं आ रही, वो एक्सपैंड हो गई है. तो डिफरेंट आइडियाज को इन द बॉडी ऑफ, इन द बॉडी ऑफ एन एसे, व्हेन डिफरेंट आइडियाज आर वीव थ्रू द सेम आइडिया और सेम सेंट्रल पॉइंट, दैट इज द बॉडी ऑफ योर एसे. तो ये वाला पोर्शन जो है ये रिवॉल्व कर रहा है थीसिस स्टेटमेंट के गिर्द. लेकिन आपकी थीसिस स्टेटमेंट की जो एग्जैक्ट वर्डिंग थी वो